अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो देखें, आज हम सैंडविच बना रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ मैं। तो ये पहले मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस कट करके रखे हुए हैं, इनके किनारे हम काट देते हैं। और अब इसके साथ ही हम आज ड्रम स्टिक भी बनाएंगे, तो उसकी भी मैंने तैयारी कर। तो ये चीज़ सैंडविच और ड्रम स्टिक आज मैं बना रही हूँ इफ्तारी के लिए। और उसके लिए ये मैंने लिक्विड तैयार किया है जो मैं घर में ही बनाती हूँ, ये मेरी अपनी खुद की रेसिपी है। तो और यहाँ मैंने चिकन को धोकर छोटे क्यूब्स में इसको काट के रखा हुआ है, अभी मैं इसको मैरिनेट करती हूँ। और ये इसका मैरिनेट करने के लिए मैंने लिक्विड भी तैयार किया हुआ है। तो यहाँ हमने अपने ब्रेड के स्लाइस पे पहले पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई किया है, और उसके बाद हमने अपना ये जो लिक्विड तैयार किया हुआ था ये अप्लाई किया है, और उसके बाद ये चीज़ स्लाइस हमने इस पर रखे हुए। तो और उसके चीज़ स्लाइस के बाद हम इस पर एक और ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, और फिर हम इसको ओवन में सेक लेंगे। आपके पास ओवन नहीं हो तो भी इसको आप पैन पे भी सेक सकते हैं, तो ये उसमें भी बहुत अच्छे सेक जाते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही सिकते हैं जैसे ओवन में सिकते हैं। और अगर आपके पास टोस्टर है या फिर ग्रिलर है तो फिर उसमें आप सेक सकते हैं, मेरे पास ग्रिलर भी है, लेकिन अभी मैंने इसको ओवन में ही सेका है। और ये ड्रम स्टिक में फ्राई करने लगी हूँ, मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था। तो ये ड्रम स्टिक हमारे रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं आप इनको, आप इनका कलर देखें कि ये कितने खूबसूरत कलर में आए, और टेस्ट भी इनका उतनी ही ज़्यादा, खुशबू भी इनकी आ रही है और टेस्ट भी। और ये हमने आइसक्रीम में मैंगो कट करके मिलाए हुए हैं, ये ड्रम स्टिक तैयार है हमारे, बहुत ही अच्छा कलर आया है। हमारे सैंडविचेस भी तैयार हैं, उनका भी बहुत अच्छा कलर आया है, और सैंडविच बहुत टेस्टी होते हैं, आप इस तरह बना के देखिएगा। अगर आपको लगे तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं आपको इसकी रेसिपी पूरी शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी मैं कि मैंने लिक्विड में क्या क्या मिलाया था। सैंडविच बहुत ईजी हैं, उनकी बहुत ही आसान प्रोसेस है, साथ में वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर आपको 10 मिनट में खाना है तो वो 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। ये मेरी लस्सी है, रूह अफ़ज़ा वाली पतली लस्सी, यहाँ सब पीते हैं। और ये आज हमारे पास सैंडविच है, ड्रम स्टिक है, और लस्सी है, और आइसक्रीम में हमने आम कट करके मिलाई हुई है, और साथ ही कुछ पापड़ भजिए वगैरह और फ्रूट्स का तो होता ही है। तो ये सारा कुछ माशाल्लाह से आज हमारी इफ्तारी में था। और गाइस, आप लोग सब भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, आपके रोज़े रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरे हैं, आप सब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज़, अल्लाह हाफिज़।